जी मैं अर्चना हूँ। कौन से क्लास में हो? मैं क्लास 12 की तैयारी कर रही हूँ। किस तरह से यहाँ तो पूरी तैयारी कराई जाती है और क्या कुछ अलग लगता है बाकी जो कोचिंग है उससे क्या अलग है यहाँ पे? यहाँ पर इस तरह की पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे? हाँ। कैसे टीचर पढ़ाते हैं, सिर्फ डांटते हैं या कुछ अच्छे से समझाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी पढ़ाई होती है समझ में आती है। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे एक बार नहीं 100 बार भी क्वेश्चन करें लेकिन कभी टीचर डांटते नहीं, पढ़ाते हैं अच्छे से। किस विषय की पढ़ाई करती है यहाँ पे? यहाँ पे सभी विषय, अभी तो क्लास 10th में सारा प्रिपरेशन यहीं से हो रहा है। क्या बनना है आपको? मुझे IAS। IAS क्यों? ऐसे सबका अपना ड्रीम होता है जो सबको पसंद करता है, ऐसे मुझे IAS पसंद है। कौन से क्लास में हो? क्या कुछ बनना चाहते हो? DPSC की तैयारी। DPSC की तैयारी करके आगे क्या करना चाहते हो? SDM बनना चाहते हैं। SDM क्यों? क्योंकि मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। समाज की सेवा और भी कुछ बनकर? सर ऐसे तो आज पहली बार इस क्षेत्र में इस प्रकार का अरेंजमेंट किया गया है, तो लगभग जो भी है सब विशेष ही है। देखा जाता है कि शिक्षक हो या छात्र, कभी कभी देखा जाता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं मिस करता है, जिसकी वजह से कई बार कई घटनाएं भी सामने आती है। इसको लेकर किस तरह से आप लोग तालमेल बैठा रहे हैं छात्रों के साथ? जी सर, इसके बारे में यहाँ पे किस प्रकार का अरेंजमेंट है और किस प्रकार का तालमेल बैठाया गया है? बाल दिवस पे और क्या कुछ किया गया है? जी सर, हम बता देना चाहते हैं कि बाल दिवस के शुभ अवसर पे आज जो हमारा ये टॉपर्स एकेडमी का जो टीम लॉन्च किया गया है, इस टीम के द्वारा सारी चीज़ें लॉन्च की गई है। जैसे सबसे पहला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के चलते क्या होते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं सर, ठीक ना। और मैं आपसे बता दूँ, मैं इन सारे क्या लगता है आज के समय में छात्रों का भविष्य वो कितना बदल रहा है और कितना ज़्यादा बदलने की और ज़्यादा? सबसे पहले मैं बात बोलना चाहता हूँ कि मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। जो आपका सवाल सभी बच्चे बैठ जाएंगे। सबसे पहले तो जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सर ने जहां तक बातें पूछी है, क्या इसका मैसेज सभी तक जाएगा? निश्चित जाएगा सर, एकदम निश्चित जाएगा कि आने वाले समय में सभी लोग इस प्रकार के कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करेंगे। और क्या कुछ आज विशेष सर? ऐसे तो आज पहली बार इस क्षेत्र में इस प्रकार का अरेंजमेंट किया गया है, तो लगभग जो भी है सब विशेष ही है। देखा जाता है कि शिक्षक हो या छात्र, कभी कभी देखा जाता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं मिस करता है, जिसकी वजह से कई बार कई घटनाएं भी सामने आती है। इसको लेकर किस तरह से आप लोग तालमेल बैठा रहे हैं छात्रों के साथ? जी सर, इसके बारे में एक बात आपसे हम बता देना चाहते हैं
कि हम जो भी कहेंगे तो जैसे कभी कोई नहीं बोलता है कि सर मेरा दही खट्टा है, तो हम ये बातें आपको नहीं बताएंगे। ये हमारे आसपास के जितने भी लोग आए हुए हैं आप उनसे इस बात को जान सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का अरेंजमेंट है और किस प्रकार का तालमेल बैठाया गया है। जी सर, हम बता देना चाहते हैं कि बाल दिवस के शुभ अवसर पे आज जो हमारा ये टॉपर्स एकेडमी का जो टीम लॉन्च किया गया है, इस टीम के द्वारा बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की गई है। जैसे सबसे पहला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के चलते क्या होते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं सर, ठीक ना। और मैं आपसे बता दूँ, मैं इन सारे दुख दर्द को झेला हूँ, सहा हूँ। सर मेरे पापा जी जो थे 2007 में डेड कर गए, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचा हूँ, किस प्रकार से पढ़ा हूँ, ठीक ना। उन सभी चीज़ों को देखते हुए कि मैं पहले कैसे स्थितियों से गुजरा हूँ, मेरे हिसाब से मैं वैसा करना चाहता हूँ कि आने वाले जो भी पीढ़ियाँ हैं उस प्रकार के तकलीफ से ना गुजरे। क्या लगता है आज के समय में छात्रों का भविष्य कितना बदल रहा है और कितना ज़्यादा बदलने की और ज़्यादा? सबसे पहले मैं बात बोलना चाहता हूँ कि मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जो आपका सवाल है बिल्कुल सटीक है सर। हमारी कोशिश है एजुकेशन को लेकर के प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना, उसके प्रति डेडिकेशन पैदा करना कि वो शिक्षा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिक्षा से ही सामाजिक बदलाव संभव है सर। जिस प्रकार से सर ने आयोजन किया है यहाँ पे प्रोग्राम का, जिस प्रकार से अपना प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जो अपने इंस्टीट्यूट का यहाँ पे लॉन्च इन्होंने किया है, एक बहुत ही बड़ा मैसेज है सर। टाउन में तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो आपको अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, लेकिन गाँव में सर नहीं मिलता है। जो इनका इनिशिएटिव है बहुत बेहतर है सर। अब मेरा तो योगदान सर इस पूरे क्षेत्र में, पूरे जिला में रहेगा एजुकेशन के लिए। देखा जाता है कि अधिकतर लोग डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़े अधिकारी बनने का प्रयास करते हैं, कोई ये प्रयास नहीं करता कि अच्छा शिक्षक बने या समाज के एक अच्छा नेता बने, क्योंकि एजुकेशन अगर आपके पास है तो समाज के लिए अच्छा निकलता है। क्या लगता है कि इन पर भी सोचने की ज़्यादा जरूरत है? एक बात बोले सर, बड़ा हंसी आएगा आपको, हमारे समाज के हमारा भाई जब दरोगा हो जाएगा ना, तो कहता है अरे पहले चारू बगल से बाउंड्री दीवा कि हमारा भैया के लोकवा आ जाए नुए में, तो पैर बस वगैरह गंदा हो जाए हमारे मर वाला हुआ। ये सोच को डेवलप करना है सर। ये जो सोच है ना, नेगेटिव नकारात्मक सोच, इस सोच को डेवलप करने हमारे समाज से लोग जो इंजीनियर डॉक्टर आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, अपने बैक हिस्ट्री को नहीं देखते। जैसे सर ने बोला कि जिन कमियों को मैंने देखा उस कमियों को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा, उसी को लेकर के सर मेरा भी एक मिशन चलता है कि पूरा उस चीज़ को दूर कर पाऊँ। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी और जो भी हिंदी इंग्लिश होता है, उसके पहले बच्चों को बिहेव सिखाना चाहिए हमारे शिक्षकों को या माता पिता को। आपका व्यवहार उत्तम रहेगा तभी आप बेहतर कर पाएंगे। एक डीएम साहब चाय के दुकान पे जाकर बोलें कि रे चाय दे, एक नॉर्मल आदमी जा कर के बोले कि ये चाय दी ना, तो उसमें दोनों में लोग बोलेगा कि पढ़ा लिखा गधा है, इसको बोलेगा कि देखिए उदार विचार वाले ये लोग हैं। तो सर मैनर की तो ज़रूरत पड़ती ही है, हम तो बिहेव हमारे अंदर जो है हमारा संस्कार है, उसको तो लेके चलना ही पड़ेगा, और संस्कार होगा उसके बाद ही टोटल चीज संभव है। आज के समय में देखा जा रहा है कि लोगों को अगर बड़ा पद मिल जा रहा है तो बिहारी बताने में बिल्कुल शर्मा रहे बात है। हाँ सर, ये भी बात है, जैसे इस देश से सॉरी इस प्रदेश से बाहर जो लोग भी हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे, एक हम बीच में दिल्ली गए थे, असिस्टेंट कमिश्नर हैं कौशल सर, वो हमको मिले तो बोले कि यही क्वेश्चन हमसे भी पूछे, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं कि बोलते हैं कि हम बिहारी नहीं हैं, लेकिन हम शान से बोलते हैं कि हम बिहारी हैं। तो कुछ परसेंट लोग हैं सर जो कहते हैं बिहारी कहने पे उनको शर्म आता है, लेकिन हम लोगों को नहीं शर्म आता, और इस पे एक कैंपेनिंग भी होना चाहिए आप लोगों के माध्यम से और मेरे भी माध्यम से कि भाई किसी भी देश के कोना में रहो या विदेश में रहो, गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। किस तरह की पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे? हाँ। कैसे टीचर पढ़ाते हैं, सिर्फ डांटते हैं या कुछ अच्छे से समझाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी पढ़ाई होती है समझ में आती है। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे एक बार नहीं 100 बार भी क्वेश्चन करें लेकिन कभी टीचर गुस्सा नहीं करते है, डांटते नहीं, पढ़ाते हैं अच्छे से। किस विषय की पढ़ाई करती है यहाँ पे? यहाँ पे सभी विषय, अभी तो क्लास 10th में सारा प्रिपरेशन यही से हो रहा है। क्या बनना है आपको? मुझे आईएएस। आईएएस क्यों?
ऐसे सबका अपना ड्रीम होता है जो सबको पसंद करता है, ऐसे मुझे आईएएस पसंद हो सकता है। और भी जो पोस्ट है उस पोस्ट पे रह के आप समाज की सेवा कर सकते हैं या कुछ डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखा होगा जो आईएएस कर सकता है जो बाकी नहीं कर सकते? नहीं, करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे तो आईएएस ही नहीं है कि आईएएस बनकर ही हम समाज की सेवा कर सकते हैं, ऐसे हमारे सर आईएएस नहीं है लेकिन समाज की सेवा में अपना कदम बढ़ाए हैं, तो उसी प्रकार से मेरा ड्रीम आईएएस से आईएएस बनकर ही हमें करना है। ठीक, थैंक यू जी। मैं अर्चना हूँ। कौन से क्लास में? मैं क्लास 12 की तैयारी कर रही हूँ। किस तरह से यहाँ तो पूरी तैयारी कराई जाती है और क्या कुछ अलग लगता है बाकी जो कोचिंग है उससे क्या अलग है यहाँ पे? यहाँ पर हम, मैं जहाँ तक जानती हूँ अपने सर उपेंद्र सर एक बेस्ट एजुकेटर के साथ साथ एक बेस्ट मोटिवेटर है, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है। जब बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं चाहे कोटा या फिर कहीं अन्य जगह पर पढ़ रहे हों, तो उन्हें एजुकेशन तो बहुत अच्छे से मिलती है, बट उन लोगों को जो होता है कि जब भीड़ छूट जाती है तो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे कई ऐसे होंगे जो बाहर पढ़ते होंगे, अच्छे कोचिंग पढ़ते होंगे, तो क्या लगता है उससे और इसमें कुछ कमी दिखता है क्या? हाँ, दिक्कत है, पर वहाँ पे जो पढ़ाई होती है हमारी, तो वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं लापरवाही की तरह, पर हम लोग यहाँ जो पढ़ते हैं तो हमेशा अच्छे से पढ़ते हैं, और जब भी थोड़ी भी हमें लगती है कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, उस वक्त हमारे टीचर हमारा इतना मनोबल बढ़ाते हैं कि लगता है नहीं अब तो हमसे जो होना है सब कुछ हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहने वाला है, तो हम शुक्रगुजार हैं अपने टीचर के कि हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। क्या बनना चाहते हो? हमको बीपीएससी की तैयारी करनी है। क्या कुछ समाज में बदलना चाहते हो? भ्रष्टाचार, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल भ्रष्टाचार को दूर करना है। आप एक लड़की हो, अगर कहीं दूर जाती होगी पढ़ने तो कई समस्याओं को झेलती भी होगी, तो क्या लगता है? कौन से क्लास में हो? 12। क्या कुछ बनना चाहते हो? बीपीएससी की तैयारी। बीपीएससी की तैयारी करके आगे क्या करना चाहते हो? एसडीएम बनना चाहते हो। एसडीएम क्यों? क्योंकि मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। समाज की सेवा और भी कुछ बन के कर सकते हो? हाँ, तो पर एक ड्रीम होता है ना मेरा, तो वही मेरा ड्रीम एसडीएम है। क्या लगता है आज के समय में लड़की अगर पढ़ाई करती है तो क्या कुछ ज्यादा दिक्कत सामना करना पड़ता है? अगर आजकल के जमाने में ऐसा कुछ नहीं रोकता है, मतलब कि लड़कियाँ भी 50% आगे क्या लगता है कि समाज में जो लोग सोचते हैं कि लड़कियों की सिर्फ शादी करा दें अगर उम्र हो जाती है, तो क्या लगता है ये गलत है? लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। ठीक है, 3 में क्या बनना चाहती हो पढ़ लिख के? डॉक्टर। पहला डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? सबका इलाज करने के लिए है? अब एक बार और थोड़ा सा धीरे धीरे। ये सारा कौन सिखाया है? कौन सर? उपेंद्र सर। ठीक।